तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये वीडियो क्लास ट्वेल्थ के बच्चों के लिए बहुत ज़रा खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बच्चों क्लास ट्वेल्थ का जो आपका फिजिकल एजुकेशन का सब्जेक्ट है, हिंदी में बोले तो जो आपका शारीरिक शिक्षा का ये विषय है, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चंस देखने वाले हैं इस वीडियो में, जो कल आपका मिड टर्म का एग्जाम होने वाला है ना 4 अक्टूबर को। जी हाँ बच्चों, 4 अक्टूबर 2024 को जो आपका मिड टर्म का पेपर होने वाला है उसको लेकर के, ठीक है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, बहुत ज़रा इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चंस मैं आपसे डिस्कस करूंगा। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, इससे हमारा बहुत ज़्यादा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस को बनाने के लिए। चैनल पर नए आ गए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है। और कोई भी डाउट रहता है तो आप डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं, ये मेरा इंस्टा ID है jayjha07 करके, यहाँ पर आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं और अपने डाउट वगैरह भी डायरेक्टली पूछ सकते हैं DM करके, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन नहीं हुए हैं तो वहाँ पर भी ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर हम आपको फ्री में PDF नोट्स और भी बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाते रहते हैं। टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन होने के लिए सिंपली टेलीग्राम पे जाना है आपको और वहाँ पर सर्च करना है क्लास 12 CBSE 123। जैसे ही आप वहाँ पर ये सर्च करेंगे आपको हमारा टेलीग्राम का चैनल देखने को मिल जाएगा, आज ही उसमें ज्वाइन हो जाइए और जो भी चीज़ें हम भेजते हैं उसका फ्री में लाभ उठाइए, ठीक है बच्चों। तो चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं भैया, कि आसन की पहचान करें। अब ये देख रहे हैं, ये जो रामदेव बाबा जी है हमारे, ये जो आसन कर रहे हैं योगा का आसन, ठीक है। तो आदरणीय बाबा जी जो ये आसन कर रहे हैं, ये योगा का कौन सा आसन है? तो ये योगा का मंदुकासन है, इसको बोलते हैं मंदुकासन। ऑप्शन नंबर D हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेम यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा कि आइडेंटिफाई द पोस्चर। यहाँ पर आप देख सकते हैं रामदेव बाबा जी को, और ये जो योगा का आसन है हमारा क्या है? मंदुकासन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से क्या योजना का उद्देश्य नहीं है? योजना बोले तो प्लानिंग, तो इनमें से कौन सा प्लानिंग का मोटिव नहीं है, उद्देश्य नहीं है, ठीक है। तो वो है बच्चों आपका खान पान का आयोजन करना, ठीक है। आप खाने पीने के लिए थोड़ी ना एकदम योजना बनाते हैं, प्लानिंग बनाते हैं कि हाँ भैया खान पान का आयोजन करेंगे, ठीक है। तो ये आपका योजना का उद्देश्य नहीं है, ठीक है। हाँ, एक्सेप्टेबल वो कंडीशन है कि अगर मान लीजिए आपको बहुत ज्यादा भूख लगी हुई है, 3 दोस्त हैं आप और बगल में शादी हो रही है, आप उस शादी में कपड़े उपड़े पहन के चले जाते हैं, हाँ जी हम तो आ गए, हमें यहाँ पर वो 3 इडियट वाला मूवी आपने देखा ही होगा, उसमें पूछता है वायरस जो होता है वो पूछता है आमिर खान से कि आप किसकी तरफ से, हम साइंस की तरफ से, ठीक है। तो वो एक एक्सेप्टेबल केस है। खैर ये तो एक ऐसी जोक था, बैड जोक। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम। स्कीम नहीं, यहाँ पर प्लान आएगा, ठीक है, या प्लानिंग कह लीजिए। तो वो होगा आपका ऑर्गेनाइजिंग जो है सो की केटरिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, तीसरा क्वेश्चन क्या है कि प्रतियोगिता के दौरान खिलाड़ियों को चोट लगने की स्थिति में तुरंत उपचार निम्न में से कौन सी समिति का कार्य है? तो प्राथमिक चिकित्सा समिति जो होता है इसका काम होता है कि प्रतियोगिता यानी कि कंपटीशन जब चल रहा होता है उसमें जब खिलाड़ी खेल रहे होते हैं तो अगर उनको चोट लग जाता है, सपोज दैट मान लीजिए कि धोनी जी जो है हमारे या विराट कोहली जी खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं और उनको चोट लग गया, ठीक है। तो जब उनको चोट लगेगा तो उनको वहां पर मदद कौन करेगा? प्राथमिक चिकित्सा समिति, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा। चलिए यही क्वेश्चन आया आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जो है सो कि इमीडिएट ट्रीटमेंट इन केस ऑफ इंजुरी टू द प्लेयर्स ड्यूरिंग द कॉम्पिटिशन। तो वो होगा आपका फर्स्ट एड कमिटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर चौथा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि निम्न में से कौन से टूर्नामेंट में मैच हारते ही टीम को बाहर कर दिया जाता है, यानी कि कौन सा ऐसा टूर्नामेंट होता है जिसके अंदर जैसे ही जो टीम है वो मैच हार जाती है तो उसको बाहर कर दिया जाता है। तो नॉकआउट टूर्नामेंट जो आपका होता है उसके अंदर जैसे ही टीम हारती है वैसे ही टीम को बाय बाय कर दिया जाता है कि भैया आप जो है आप बाहर हो जाइए, ठीक है। तो बी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग टूर्नामेंट द टीम इज थ्रो आउट आफ्टर लूजिंग द मैच। तो वो है आपका नॉकआउट टूर्नामेंट, ऑप्शन नंबर B हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, पांचवा क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या है कि निम्न में से कौन सा एक नॉकआउट टूर्नामेंट का उद्देश्य नहीं है? यहाँ पर ध्यान से समझिए, कौन सा नॉकआउट टूर्नामेंट का उद्देश्य नहीं है भैया? तो खिलाड़ियों का आत्मविश्वास कम करना, ये नॉकआउट टूर्नामेंट का उद्देश्य कभी नहीं होता है। खेलों को बढ़ावा देना हो सकता है, दर्शकों का मनोरंजन करना भी हो सकता है, भाईचारे की भावना को बढ़ाना भी हो सकता है, लेकिन खिलाड़ियों का जो आत्मविश्वास है उनका कॉन्फिडेंस लेवल को कम करना, ये नॉकआउट टूर्नामेंट का उद्देश्य कभी नहीं हो सकता है, ठीक है। तो बी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ नॉकआउट टूर्नामेंट। तो वो है आपका लोअरिंग द कॉन्फिडेंस ऑफ द प्लेयर्स, ठीक है। आगे चलते हैं,
छठा क्वेश्चन काफी इजी है और इम्पोर्टेंट भी है कि सभी तरल तथा ठोस पदार्थ जिन्हें मनुष्य खाता है तथा पाचन क्रिया द्वारा पचाता है वो क्या कहलाता है, तो वह भोजन कहलाता है। जो भी हम लोग खाते हैं ठीक है, और डाइजेशन यानी पाचन क्रिया के द्वारा पचा लेते हैं तो वो क्या होता है भैया, वो होता है हमारा यहाँ पर भोजन बोल लीजिए, तो खाना हो गया ठीक है। सेम यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा कि ऑल लिक्विड सॉलिड एंड सॉलिड्स दैट ह्यूमन ईट एंड डाइजेस्ट बाय डाइजेशन आर कॉल्ड, तो वो है हमारा यहाँ पर फूड, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर सातवा क्वेश्चन क्या है कि मोटापे का अर्थ क्या होता है, यहाँ पर डैश होता है ठीक है। तो मोटापा में क्या होता है भैया, वसा का जो है सो की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, वसा बोले तो फैट बढ़ जाता है ठीक है। और मोटापा हम लोग कब कहेंगे, जब एक व्यक्ति का जो आदर्श भार है उससे 20% कितना 20% या उससे ऊपर उसका वजन बढ़ जाता है तो अब वो बंदा मोटा कहलाएगा ठीक है। यानी कि मान लीजिए एक बंदे का वजन है यहाँ पर 70 किलो ठीक है, और उसका वजन मान लीजिए यहाँ पर 20 किलो और बढ़ गया, यहाँ पर 90 किलो हो गया, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये बंदा जो है यहाँ पर मोटा हो गया है क्योंकि इसके अंदर वसा का जो मात्रा है, फैट का जो मात्रा है वो बढ़ जाता है ठीक है। तो मोटापे का अर्थ होता है वसा का बढ़ना ठीक है। ख वाला विकल्प हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सेम यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहता है कि ओबेसिटी मींस जो है सो कि इंक्रीज ऑफ फैट ठीक है। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा हमारा। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन देखिए, यही क्वेश्चन अब मतलब बना करके इस तरह से पूछ सकता है कि व्यक्ति के वजन का कितना प्रतिशत अधिक होने पर वह मोटा कहलाएगा। तो 20% अगर ज्यादा हो गया वजन उसका तो वो जो व्यक्ति है हमारा क्या कहलाएगा, मोटा व्यक्ति कहलाएगा ठीक है। यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा, ये देख सकते हैं, और इसका ऑप्शन होगा आपका सी, 20% अगर ज्यादा है तो व्यक्ति क्या कहलाता है, मोटा व्यक्ति कहलाता है। एजुकेशनल पर्पस के लिए बता रहा हूँ भैया। अगला क्वेश्चन देखिए, नौवा क्वेश्चन क्या है कि श्वास नली से जुड़ी हुई बीमारी को डैश कहते हैं ठीक है। श्वास नली मतलब हम लोग जो सांस लेते हैं उससे जुड़ी हुई अगर कोई बीमारी हो जाती है तो उसको क्या कहते हैं भैया, उसको कहते हैं अस्थमा। क्या कहते हैं, अस्थमा कहते हैं ठीक है। सेम यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से है कि द डिजीज एसोसिएटेड विद जो है सो कि रेस्पिरेटरी ट्रैक इज कॉल्ड, तो वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अस्थमा। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। चलिए दसवां क्वेश्चन देखिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और समझिए इस क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि मुझे जीतने दो लेकिन यदि मैं जीत नहीं सकता तो मुझे प्रयास जो है वो करने दो बहादुरी से ठीक है। यह शपथ जो है किन खेलों में ली जाती है, तो ये जो शपथ है बच्चों आपका ये विशेष ओलंपिक जो भारत वाले खेल होते हैं उसके अंदर आपका लिया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेम यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा और ऑप्शन नंबर ए, स्पेशल ओलंपिक इंडिया ये वाला जो गेम होता है उसके अंदर ये शपथ जो है लिया जाता है ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 11वां क्वेश्चन क्या है कि कैलोरी का अर्थ है डैश जो है सो कि बढ़ा सकती है, क्या बढ़ा सकती है, तो वो है बच्चों आपका ऊष्मा की वह मात्रा जो 1 ग्राम पानी का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा सकती है, वो होता है हमारा कैलोरी ठीक है। यहाँ पर आपका बी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, और ऑप्शन नंबर जो बी है द अमाउंट ऑफ हीट दैट हैज 1 ग्राम ऑफ वाटर टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस, तो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा 12वां क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से किसमें सर्वाधिक कैलोरी की मात्रा पाई जाती है। यहाँ पर आपको दे दिया 4 ऑप्शन कि इसमें से कौन सा ऐसा पदार्थ है जिसके अंदर सबसे ज्यादा जो है कैलोरी की मात्रा पाई जाती है, दूध है, सेब है, मक्खन है, चीनी है, तो यहाँ पर आपका जो मक्खन होता है जिसको इंग्लिश में आप बटर भी बोलते हैं, इसमें सबसे ज्यादा जो आपका कैलोरी की मात्रा है वो पाई जाती है बच्चों, तो ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट कैलोरी जो है सो की क्वांटिटी, तो ऑप्शन नंबर सी बटर ठीक है। 13वां क्वेश्चन देखिए बच्चों यहाँ पर क्या है कि कठोर शरीर श्रम करने वाले व्यक्ति के लिए आवश्यक कैलोरी की मात्रा होती है ठीक है। कहने का मतलब यह है कि ऐसा बंदा या ऐसा व्यक्ति जो कठोर शारीरिक श्रम करता है यानी कि फिजिकल वर्क बहुत मेहनत वाला करता है, जैसे मजदूर भाई लोग देखते होंगे आप, जो जैसे कि मान लीजिए चावल का कट्टा आया सरकार की तरफ से जो कि अमूमन जो फ्री में राशन मिलता है ठीक है, तो उस चावल के कट्टे को उतार करके गोदाम में रखने का काम करते हैं, तो भाई कठोर शारीरिक श्रम है ना। वहीं पर एक बंदा कंप्यूटर चला रहा है खाली, तो वो अपना मेंटल वर्क कर रहा है, लेकिन जो कठोर शारीरिक श्रम करते हैं ऐसे व्यक्ति जो होते हैं उनको कितना कैलोरी का मात्रा चाहिए, तो ऐसे व्यक्तियों को 3500 से लेकर 3500 तक का कैलोरी का मात्रा चाहिए होता है बच्चों ठीक है। सेम यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा कि द अमाउंट ऑफ कैलोरीज रिक्वायर्ड फॉर अ पर्सन डूइंग जैसे कि आपका जो हार्ड वर्क करता है ठीक है,
इस तरह से, तो वो होगा आपका 3000 to 3500 तक कैलोरी उसको चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, 14वां क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सा पोषक तत्व एंटीबॉडीज उत्पन्न करता है। एंटीबॉडीज थोड़ा सा समझ लीजिए, जैसे अभी कोविड आया था मतलब है भी क्या अभी कोविड, चलिए कोई नहीं, शायद कोविड है अभी, ठीक है, वैसे तो काफी कम हो गया लेकिन कोरोना तो ही है भाई, ठीक है। तो कोरोना वायरस आया था कोविड-19, तो उसमें बोला जा रहा था ना डॉक्टरों के द्वारा, अलग अलग लोगों के द्वारा, कि आप अपना एंटीबॉडीज बनाने के लिए इम्यून सिस्टम को मजबूत रखिए। आपका अगर इम्यून सिस्टम मजबूत होगा तो किसी भी रोगों से लड़ने के लिए एंटीबॉडीज ज्यादा से ज्यादा वो प्रोड्यूस कर सकता है। जैसे कि मान लीजिए आपको बुखार हो जाता है, क्या हो जाता है भैया, बुखार हो जाता है, तो आपका शरीर गर्म हो जाता है ना, मम्मी आपका जब सर छूती है तो क्या बोलती है कि लाडले तेरा शरीर जो है वो अभी गर्म है, ठीक है। तो आपका शरीर गरम क्यों होता है, बुखार जो होता है वो आपका ये नहीं कि आप सोचते हैं कि शरीर गरम है तो बुखार है आपका आ गया है, ठीक है। शरीर गरम जो होता है वो इसलिए हो जाता है, वैसे तो जब शरीर गरम होता है तो बुखार आ ही जाता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझिए, अगर आपका शरीर ज्यादा गर्म हो रहा है तो वो शरीर क्या कोशिश कर रहा है, एंटीबॉडीज रिलीज करने का कोशिश कर रहा है। बुखार क्या होता है, एक तरह का वायरस होता है, उस वायरस से लड़ने के लिए हमारे जो शरीर होता है वो गर्म होना शुरू हो जाता है, और जितना ज्यादा हमारा बॉडी हीट प्रोड्यूस करता है, गर्म होता जाता है, उतना ज्यादा वो वायरस से वो लड़ता जाता है। तो ये सारा काम कौन करता है, एंटीबॉडीज करती है, ठीक है। जैसे जैसे वो गर्म होगा हमारा शरीर, तो क्या होगा, बुखार से लड़ने का, बुखार वाले वायरस से लड़ने के लिए हमारा शरीर एंटीबॉडी जो है पैदा करता रहता है, जिससे कि बुखार काफी हद तक कम हो जाता है। आप देखते होंगे पसीना वगैरह जब निकल जाता है तो बुखार हट ही जाता है पूरी तरह से, ठीक है। तो ये होता है यहाँ पर, हमारा एंटीबॉडी जो होता है ना वो हमारे इम्यून सिस्टम के द्वारा, इम्यून सिस्टम क्या होता है, किसी भी प्रकार की बीमारी से लड़ने के लिए हमारे शरीर में एक सेना है, एक आर्मी है, जिसको बोलते हैं इम्यून सिस्टम, और ये इम्यून सिस्टम अपना थोड़ा थोड़ा आर्मी का टुकड़ी भेजता रहता है जिसको बोलते हैं एंटीबॉडीज, ठीक है। तो एंटीबॉडी बनाता है, तो इनमें से कौन सा पोषक तत्व जो है एंटीबॉडी उत्पन्न करता है, तो वो है भैया प्रोटीन, ठीक है। प्रोटीन जो होता है जिसके बॉडी में ज्यादा होगा उसके बॉडी में एंटीबॉडीज जो है ज्यादा से ज्यादा बनेंगी बीमारियों से लड़ने के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग जो है न्यूट्रिएंट्स प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर ए प्रोटीन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा 15वां क्वेश्चन क्या है कि एक सामान्य वयस्क व्यक्ति को एक दिन में कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है, एक सामान्य वयस्क यानी एडल्ट बंदा जो है, गबरू जवान लौंडा जो है, उसको कितना यहाँ पर जो है वो कैलोरी का जरूरत पड़ता है, ठीक है। तो एक जो सामान्य वयस्क होता है, एडल्ट बंदा होता है, उसको 3000 कैलोरी तो कम से कम चाहिए ही चाहिए, या एक महिला होगी या एक पुरुष होगा, 3000 कैलोरी एक दिन में मान लीजिए उसको चाहिए ही चाहिए, जिससे कि उसका बॉडी जो है फंक्शन कर सके। अब जैसे मान लीजिए एक स्प्लेंडर को चलाना है, ठीक है, आपका ये घर है और घर से आप जा रहे हैं रेलवे स्टेशन, ठीक है, रेलवे, ठीक है, रेलवे स्टेशन। अब यहाँ घर से रेलवे स्टेशन तक जाने में आपको स्प्लेंडर बाइक के अंदर 1 लीटर पेट्रोल चाहिए, है ना। क्यों 1 लीटर पेट्रोल क्यों चाहिए, क्योंकि आपने ऑन एवरेज लगाया कि हाँ 50 किलोमीटर के आसपास होगा तो 1 लीटर पेट्रोल में मैं चला जाऊंगा, अगर वापस आना है तो 1 लीटर और मान लीजिए, ठीक है, यानी प्लस में 1 और कर लीजिए, तो ये आपने अंदाजा लगा लिया ना। उसी प्रकार से हमारा बॉडी जो होता है उसको पूरे एक दिन काम करने के लिए फ्यूल यानी कि ईंधन की खपत होती है, ठीक है, मतलब हमारे बॉडी को ईंधन चाहिए होता है, और ईंधन हम लोग खाना खाते हैं तो उससे मिल जाता है, उस खाने के अंदर जो है यहाँ पर हमारा क्या होता है, कैलोरी होता है, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जैसे बाइक को चलने के लिए ईंधन यानी पेट्रोल वगैरह की जरूरत पड़ती है, तो हमारे बॉडी को चलने के लिए खाने की जरूरत पड़ती है, और उस खाने में जो हम लोग खाते हैं वो होता है, मतलब खाना हम लोग खा लेते हैं, और खाने को पचा करके जो हमारे शरीर में चीजें मिलती है वो कैलोरी पोषक तत्व वगैरह मिलता है, और उसी में से हमारा एक दिन जो होता है उस पूरे एक दिन के लिए हमें 3000 कैलोरी का जरूरत पड़ता है बच्चों, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा कि अ नॉर्मल एडल्ट पर्सन रिक्वायर्स कैलोरीज अ डे, तो वो रहेगा आपका 3000 कैलोरी रिक्वायर होता है एक नॉर्मल पर्सन के लिए, एडल्ट बंदे के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा 16वां क्वेश्चन कि लीग टूर्नामेंट को रूप में भी जानते हैं, मतलब किसके रूप में भी जानते हैं लीग टूर्नामेंट को, तो राउंड रोबिन टूर्नामेंट के रूप में भी हम लोग इसको जानते हैं बच्चों। ये क्वेश्चन मैंने आपको करवा भी रखा है कि लीग टूर्नामेंट इज ऑल्सो नोन एज राउंड रोबिन टूर्नामेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 17वां क्वेश्चन क्या है कि शरीर में वातावरण से ऑक्सीजन लेने की प्रक्रिया को कहते हैं, तो शरीर के अंदर जो हम लोग वातावरण से यानी कि जो हमारा आसपास का पूरा वातावरण है उससे जो ऑक्सीजन लेते हैं तो वो होता है ऑक्सीजन का ग्रहण करना, ठीक है। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा कि द प्रोसेस ऑफ टेकिंग ऑक्सीजन फ्रॉम द एनवायरमेंट इनटू द बॉडी इज कॉल्ड आपका अपटेक ऑफ ऑक्सीजन, ये हमारे यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर
हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 18वां क्वेश्चन क्या है कि उच्च रक्तचाप को या उच्च रक्तचाप के किस आसन का प्रयोग जो है हमें नहीं करना चाहिए, यानी कि अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है, बीपी का प्रॉब्लम है और बीपी में भी आपको हाई ब्लड प्रेशर है, तो आपको कौन सा योगा का आसन नहीं करना चाहिए। तो वक्रासन जो होता है आपको योगा का आसन जो है ये नहीं करना चाहिए बच्चों, ठीक है। क वाला विकल्प हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा कि विच पोस्चर शुड नॉट बी यूज्ड फॉर हाई ब्लड प्रेशर, तो वो होगा आपका वक्रासन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और हाँ वीडियो को लाइक जरूर करते चलिए बच्चों। मैं बार बार ये आपको बोलता हूँ, जितना ज्यादा वीडियो को लाइक करेंगे उतना ज्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहता है, अंदर से आवाज आता रहता है कि बच्चे लाइक कर रहे हैं, जय सर क्या कर रहे हैं, आप वीडियो बनाते रहिए बच्चों के लिए, तो हम आपके लिए वीडियो बनाते रहते हैं। और हाँ होली आने वाली है, आप सभी को पता है, तो होली के लिए आप सब सभी बच्चों को एडवांस में पहले से ही भाई शुभकामनाएं, मस्त मजे में होली मनाना, पूरा एंजॉय करना भाई, एग्जाम उग्जाम का टेंशन एकदम भूल जाना होली वाले दिन, ठीक है, पूरा एकदम मजे लेना बिल्कुल। और एग्जाम तो चलता ही रहेगा यार, कौन सी बड़ी बात है, बट हाँ होली वाले दिन पूरा एंजॉय करना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 19वां क्वेश्चन क्या है कि कौन सी प्रशिक्षण विधि सहनशीलता विकसित करती है, ठीक है। तो आपका जो फाटलेक प्रशिक्षण विधि होता है ये आपका सहनशीलता, जिसको आप लोग बच्चों यहाँ पर टॉलरेंस भी बोलते हैं, ये आपका डेवलप करता है। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा कि विच ट्रेनिंग मेथड डेवलप्स टॉलरेंस, तो वो होगा आपका फाटलेक मेथड, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं, 20वां क्वेश्चन देखिए क्या है कि किस स्थिति में प्राथमिक चिकित्सा दी जाती है, कौन सा ऐसा स्थिति होता है जिसके अंदर प्राथमिक चिकित्सा जो फर्स्ट आप कह लीजिए वो मेडिकल जो चीजें होती है ना वो दिया जाता है, तो वो होता है अचानक चोट लगने पे। आप देखते होंगे कि जैसे क्रिकेट मैच के दौरान जो है आपका कोई भी खिलाड़ी, जैसे विराट कोहली ले लीजिए, उनको चोट लग गया सपोज दैट मान लीजिए, ठीक है, तो क्या होता है तुरंत एक डॉक्टर आएगा, एकदम एक हाथ में इस तरह से किट लेकर के आएगा जिसको फर्स्ट एड बॉक्स भी बोलते हैं, अचानक चोट लग गया जल्दी जल्दी देखो क्या हो गया नहीं हो गया, ठीक है। तो ये स्थिति में यानी अचानक जब चोट लग जाता है तब हम लोग प्राथमिक चिकित्सा उसको देते हैं, ठीक है। ख वाला विकल्प हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा कि इन विच सिचुएशन फर्स्ट एड इज गिवन, तो वो होगा आपका इन जो कि सडन इंजरी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 21वां क्वेश्चन है कि रीढ़ की वक्रता के कारण इसे डैश के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो रीढ़ की जो वक्रता होती है इसको स्कोलियोसिस के रूप में भी हम लोग जानते हैं, ये मैंने आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला जो वीडियो बनाया था ना उसके अंदर मैंने आपको बता रखा है, उस वीडियो को जरूर देखिएगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो सी है ग वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, और स्कोलियोसिस हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 22वां क्वेश्चन कि डैश विकार का कारण नहीं है, कौन सा ऐसा जो चीज है इसमें से चारों में से जो एक विकार यानी बीमारी का कारण नहीं बन सकता है कभी भी, ठीक है। पहला है आनुवांशिकता यानी कि जेनेटिक, तो ये तो बन सकता है, इस कारण से लोग बीमार हो सकते हैं जेनेटिकली, जैसे आप देखते होंगे कि किसी के पिताजी जो है किसी बीमारी से लड़ रहे हैं तो बच्चे को भी वो बीमारी कई जो है केसेस में हो जाता है, तो ये तो हो सकता है। दूसरा होता है खराब पर्यावरण, अगर कहीं का पर्यावरण खराब है तो बंदे को बीमारी या विकार हो सकता है। यहाँ पर जो संतुलित आहार है ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, दुर्घटना के कारण जो है बंदा विकार का शिकार हो सकता है, लेकिन अगर बंदा संतुलित आहार ले रहा है, मस्त खाना पीना खा रहा है, तो उसको थोड़ी ना बीमारी उमारी होगा यार, तो ग वाला विकल्प हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा कि डैश इज नॉट द कॉज ऑफ द डिसऑर्डर, तो वो होगा आपका बैलेंस डाइट से हम लोगों को डिसऑर्डर बीमारी उमारी नहीं हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 23वां क्वेश्चन कि न्यूटन की गति का पहला नियम जिसे डैश के नाम से भी जाना जाता है, जो न्यूटन की गति का पहला नियम है उसे जड़ता का नियम भी हम लोग कहते हैं बच्चों, क्या कहते हैं, जड़ता का नियम, ठीक है। यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन विच इज नोन एज द नोन, वो होगा आपका लॉ ऑफ जोसो की इंटीरियर करके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 24वां क्वेश्चन क्या है कि यदि अग्नाशय पर्याप्त इंसुलिन का उत्पादन नहीं कर रहा है तो डैश इसका कारण हो सकता है, अगर अग्नाशय जो है वो इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है तो उस बंदे को डायबिटीज की प्रॉब्लम, मधुमेह की प्रॉब्लम हो गई है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर घ वाला जो विकल्प है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सेम यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा और इसका डायबिटीज वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा हमारा, ठीक है। 25वां क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, काफी इंपॉर्टेंट है और आसान भी है। डैश पूर्ण आहार के रूप में जाना जाता है, यानी कि इनमें से कौन सा ऐसा चीज है जिसको आप ले लेते हैं ना तो एक तरह से कंप्लीट डाइट तो आपका वही हो गया, पहला है मछली, दूसरा है आलू, तीसरा है दूध और चौथा है सेब। तो जो आपका दूध है ना यानी मिल्क, अगर वो ले लेते हैं ना
तो आपका कंप्लीट डाइट हो गया, उसके अंदर आपको सारा चीज मिल ही जाएगा, ठीक है। तो ग वाला विकल्प जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसी बात पे दूध पीना तो बनता है, तो आज रात को जरूर दूध पिएगा अगर आप ये वीडियो रात को देख रहे हैं तो, और दिन में भी पी रहे हैं, दिन में भी देख रहे हैं तो वीडियो को देख करके दूध जरूर पीजिएगा, ठीक है। शरीर स्वस्थ रहेगा आपका, स्वस्थ रहिए, शरीर को रखिए स्वस्थ को, और इसी तरह से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। चलिए, यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा कि डैश ऑल्सो नोन एज अ कंप्लीट डाइट, तो जो आपका मिल्क है वो कंप्लीट डाइट के रूप में आप उसको देख सकते हैं, ठीक है, या कह भी सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बस बच्चों, यही था आज का ये वीडियो, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, जितना ज़्यादा वीडियो को आप लाइक करते हैं उतना ज़्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस को बनाने के लिए। चैनल पर अगर आप नए आ गए हैं, विद्यालय स्टडी पॉइंट को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी तरह की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बगल में आपको बेल का घंटी घंटा कुछ भी कह सकते हैं उसका आइकन देखने को मिलेगा, उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि जो भी हम नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन पर आ जाया करे, और आपकी जो तैयारी एग्जाम्स के लिए वो और भी बेहतर से बेहतर तरीके से हो सके। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूं आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।